क्या आपको पता है इंडिया का डाटा इतना सस्ता क्यों है? बात यह सस्ता का नहीं है, बात यह क्वालिटी का है। 2019 में इंडिया का 34.4% टोटल पॉपुलेशन इंटरनेट यूजर्स था। अगर हम लोग यूएस से कंपेयर करें जहां 87.3% अमेरिकन पॉपुलेशन इंटरनेट यूजर, मतलब 286 मिलियन इंटरनेट यूजर था अमेरिका में, तो कंपेयरिंग में बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन भी एक बड़ा रीजन हो सकता है इंटरनेट चीप होने का। दूसरा रीजन यह भी हो सकता है कि इंटरनेट तो सस्ता है पर सर्विस अच्छा नहीं है। कहीं पर आपको बहुत अच्छा स्पीड मिलेगा, कहीं पर तो कनेक्ट भी नहीं हो पाता। इंटरनेट का स्पीड हर जगह कांस्टेंट नहीं है और इसका रीजन हम सभी को पता है, टावर ही नहीं है सभी जगह पर। अगर ज्यादा टावर कंपनी लगाएगी तो मेंटेनेंस में ज्यादा खर्च लगेगा और कंपनी इसे डाटा में वसूल लेगी, इसीलिए कम टावर होने की वजह से एक टावर में डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब क्वालिटी घट जाता है और कॉस्ट भी। अगर बीबीसी की रिपोर्ट की बात करें तो 2014 में 270 रुपये पर जीबी वन डाटा इंडिया में था, जबकि 2021 में 47 रुपये पर 1 GB डाटा हो गया। यूएस की बात करें तो लगभग, और 2021 में 867 रुपीज पर 1 GB डाटा हो गया। इसराइल नंबर वन पर होल्ड किए हुए 0.2 रुपीज के साथ। लेकिन यूएस में क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, या मैं टेलीकॉम कंपनी क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी में ध्यान देती है। बस यही रीज़न है इंडिया में मोबाइल डाटा चीप होने का। और क्या आपको पता है मोबाइल डाटा जो हम लोग नहीं यूज कर पाते हैं वो डाटा हमें फिर से रिशेड्यूल करके अगले दिन दे दिया जाता है। जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग इंटरनेट के बहुत सारे भाग हैं, जिसमें डार्क वेब, वेब, सरफेस वेब, लेकिन तो ये जानकर हैरानी होगा कि इसमें भी हम लोग 1/3 कैपेसिटी ही यूज करते हैं, बाकी बचे कैपेसिटी में मालवार इंटरनेट भरे पड़े हैं। मतलब हम लोग लेस देन 10% ही यूज करते हैं टोटल इंटरनेट का। क्या आपको इसके बारे में पता था? कमेंट में ज़रूर बताइए। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो जिसे देखना और जानना आपका नीड है, हमारे चैनल पर बने रहें।